चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, परंतु शहंशाह के तलवार से हम स्वयं अपना भाग्य रचेंगे। अब चाहे युद्ध में हमारी विजय हो या वीर गति को प्राप्त करें, कम से कम हमारे पति को, हमारे परिवार और प्रजा को हम पर गर्व होगा। हमारी मृत्यु पर कोई आंसू नहीं बहाएगा, बल्कि सिंहनाद होगा। अंतिम बार आपसे पूछ रहे, आप में से कोई हमारा साथ देगा? हम भी आपके साथ हैं छोटी अम्मी जान। जीरा बख्तर नहीं मिला तो क्या हुआ? अब मिला जीरा बख्तर के जंग पर जाएंगे। वाकई हम इतने नासमझ कैसे हो गए? क्या हम रहीम जैसे बच्चे से भी कमजोर हैं? नहीं, हम मरेंगे तो दुश्मनों को मारकर मरेंगे। हमें तलवारबाजी नहीं आती, लेकिन तीर अंदाजी हमने जरूर सीखी। हम आपके साथ हैं जोधा बेगम। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। तुम्हारी जिंदगी के कुछ घंटे बाकी हैं जलाल, और अगर तुम चाहो तो मरने से पहले अपनों के लिए एक नेक काम करके जा सकते हो। उसके बदले मैं एक नेकी करूंगी, तुम्हें एक इज्जतदार मौत देकर। क्या लगता है आपको कि अब हमें आपसे नेकी की उम्मीद है? लेकिन फिर भी खुदा से दुआ करेंगे कि कम से कम मां आपको तो इस दलदल से बाहर निकाल दे। चलो एक सौदा करते हैं, तुम हमारी अम्मी जान का पता बताओ और उसके बदले में हम तुम्हारी सबसे खास बेगम को बेआबरू होने से बचा लेंगे और उन्हें देंगे एक इज्जत भरी मौत। जिन बेगमात की आप इज्जत लुटवाना चाहती हैं, वो आपके भी रिश्तेदार हैं। अब अफसोस होता है इस बात का कि आप जन्नत आशानी मरहूम शहंशाह हुमायूं साहब की बेटी। अफसोस तो हमें है कि तुम मरहूम बादशाह और हमारे वालिद हुमायूं के बेटे हो। अफसोस तो इस बात का है कि वो शख्स हमें रिश्ते की दुहाई दे रहा है जिसने रिश्ते में लगने वाली अम्मी, हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा है। हम उससे आपकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपकी अम्मी जान को कैद नहीं किया है। तुम्हारे झूठ बोलने से हकीकत नहीं छुप जाएगी। हमने देखा है उन्हें गार में कैद। अगर हमें मालूम होता कि आपकी अम्मी जान कहाँ है तो हम उन्हें कब का रिहा कर चुके होते। कहानियाँ बनाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल जाएगी जलाल, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब देखना तुम जो हालत तुमने हमारी अम्मी जान की है उससे भी बदतर हालत हम तुम्हारी बेगमात और हमीदा बेगम की करेंगे। तुम्हारा कत्ल हो जाने के बाद दिल्ली और आगरा तो हमारे कब्जे में हो ही जाएगा, और आज नहीं तो कल हम अपनी अम्मी जान को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि तुम अपनी जिद के कारण अपनी अम्मी जान और अपनी बेगमात को एक काला मुस्तकबल देकर जाओगे। आपसे गलतफहमी हुई है, आपसे गलतफहमी। बहुत खूब आदम साहब, आपकी बहादुरी और जंग की काबिलियत बेमिसाल है। क्या फायदा है इस काबिलियत का, इस बहादुरी का? जिस आदमी को हम मारना चाहते हैं हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आदम साहब, आवाज नीची, आवाज नीची। पता नहीं कब कौन जलाल से चुगली कर दे। आदाब हुजूर, एक बुरी खबर है, शहंशाह जलाल गायब हो गए हैं। और सुनने में यह आया है कि दुश्मनों ने उन्हें कैद कर लिया है। टोटरमल साहब और फरद खान उनकी तलाश में निकले हैं। या खुदा, हमारे शहंशाह की हिफाजत करना।
आज हम बहुत खुश हैं। किस्मत हम पर मेहरबान है। यही मौके का हमें इंतजार था, अपना हक जमाने का आगरा की गद्दी पर। हकीमा साहिबा, ये बहुत खतरनाक जहर है। हम इसे पानी में मिलाकर दुश्मन पर फेंकेंगे और जैसे ही ये जहर दुश्मन की चमड़ी पर पड़ेगा तो ही पल में उनकी मौत हो जाएगी। बहुत खूब, दुश्मन का मुकाबला ऐसे हथियारों से होगा जिसके बारे में उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा। ना जाने क्या होगा, हम औरतें हैं, सिपाही नहीं, कैसे टिक पाएंगे उनके सामने। एक स्त्री यदि अपने पर आ जाए तो मौत भी उसके सामने टिक नहीं सकती है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, मरे या मारे इतिहास सदा हमें स्मरण रखेगा। आज तक बादशाह अपना इतिहास लिखते आए हैं, आज हम बेगमें अपना इतिहास लिखेंगी। पहली बात खंजर हाथ में पकड़ा है, मगर खुदा कसम जरा खौफ नहीं आ रहा। आज हम ये युद्ध लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे। आज तक हम स्त्री अपने सतित्व की रक्षा के लिए विष पीती आई है या जौहर करती आई, पर आज अपनी आन की रक्षा के लिए हमने शस्त्र उठाए हैं। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। माँ दुर्गा हमारे साथ है, प्रजा का आशीर्वाद हमारे साथ है, शहंशाह के लिए हमारा प्रेम हमारे साथ है। विजय हो, फतह हो, विजय हो, फतह हो, विजय हो, फतह हो। सबसे पहले हम तुम्हारा गुरूर तोड़ेंगे जलाल की बेगमें फास। अरे कमांड तो गिर गया, अब क्या करोगी? अबू माली, तुम्हें खत्म करने के लिए तो ये तीन ही काफी है, दूर हो जाओ। अब चलाओ अपनी नजरों के तीर हमारे दिल के पार कैया बेगम। तुमने सोच भी कैसे लिया कि रुकैया बेगम अकेली है? नीच, आज तुम्हें अनुभव होगा कि हरम पर बुरी दृष्टि डालना तुम्हारी कितनी बड़ी भूल थी। किसी की संपत्ति नहीं होती अबुल माली, जो युद्ध कर उसे जीता जा सके। यदि वो अपने आप को सौंपती है तो केवल प्रेम के कारण, और जब कोई उस पर कुदृष्टि डालता है तो वो चंडी बन जाती है। क्या कहा था तुमने? यदि हम तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर देंगे तो तुम हमें प्रसन्न रखोगे। अब हमें प्रसन्नता तब मिलेगी जब हम उस जीभ को काट देंगे जिसने औरतों के पास पहुंचाने की बात कही। स्त्रियां केवल प्रेम से और अपने मन से किसी को अपनाती है अबुल माली। अब देखना, तुम्हारी हरम की स्त्रियां भी यहाँ आ जाएंगी, वो भी स्वेच्छा से, क्योंकि ऐसे स्वामी को कोई भी नहीं चाहेगा अबुल माली जो स्त्रियों पर कुदृष्टि रखता हो। शहंशाह की बहनों ही हो इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते आए, पर अब तुम्हें दंड देना बहुत आवश्यक है। शहंशाह के बहनों ही हो इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते आए, पर अब तुम्हें दंड देना बहुत आवश्यक है।
आज तक हम आपका सम्मान करते रहे क्योंकि आप शहंशाह की बहन हैं। पर आज हम आपके विरुद्ध तलवार उठाएंगे क्योंकि आप उन सैनिकों के साथ आई हैं जिन्होंने हरम को और स्त्रियों के मान को लांछित करने का प्रयास किया है। कैसी स्त्री हैं आप? एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री की मान की रक्षा करने के स्थान पर उनका अपमान कर रही है? बस अब बहुत हुआ। बेगम महाचूचक के दिए हुए 30 घंटे खत्म हुए, अब हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जो खुदा तुम्हारा है वो हमारा कत्ल करेगा। जलाल, हमें तुम्हें उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था जब हम तुम्हें कैद कर लाए थे, मगर अब भी देर नहीं हुई है। कौन है जो बुजदिलों की तरह पीछे से वार कर रहा है? सामने आओ, धोखा है ये। छिपकर वार करना राजवंशियों को शोभा नहीं देता, वो अलग बात है कि तुम हमें देख नहीं सके। धोखा है ये। उनके मुख से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती जिन्होंने शहंशाह को छल से बंदी बनाया हो, जो सिर्फ छल जानता हो। हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो अगला बाण तुम्हारे हृदय के पार होगा। देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है शहंशाह, आप ठीक है शहंशाह? जिसका आपके जैसा दोस्त मान सिंह जैसा सिपे सलार, तो उसे क्या हो सकता है तोड़ो मलसा। क्षमा करें शहंशाह, हम अपने भावों पर काबू नहीं रख पाए। हे ईश्वर, कितनी पीड़ा पहुंचाई है उन लोगों ने आपको। दुर्मल साहब, हरम की हिफाजत के लिए कौन है? वहां तो अबुल माली ने हमला किया था ना। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, हम आना तो नहीं चाहते थे परंतु हमें विवश कर दिया गया। हमारे साथ जो हुआ वो शायद हम भूल भी जाएंगे गारा पा, लेकिन अगर हरम में किसी को कुछ भी हुआ तो खुदा कसम ना आप बचेंगी, ना मीजा ना चूचक बचेंगी, और ना ही बचेगा अबुल माली। तो इसका मतलब हरम अकेला है, हमें फौरन चलना होगा। आइए। ईश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, हम जानते थे शहंशाह लौटेंगे, अपने होने वाले बच्चे के लिए उन्हें लौटना ही था। हम तो हिम्मत हार ही गए थे, पर जोधा का दिल नहीं मानता था, खुदा का कर्म है। हम कैसे वापस न लौटते अम्मी जान, हमने आप सबसे वादा जो किया था,
हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। शहंशाह, अब आपको आराम फरमाना चाहिए। आपके जख्मों का इलाज होना बहुत जरूरी है। फिलहाल तो हम सब की हालत एक जैसी है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आप सब महफूज हैं। हाँ शहंशाह, आज हम सब महफूज हैं क्योंकि एक राजवंशी बेगम हमारे साथ थी। आपको जोधा बेगम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज इन्हीं की वजह से हम सब सही सलामत हैं। हम सब ने तो जहर पीने का मन बना लिया था, सोचा था कि आपको कुछ हो गया है। एक अकेली जोधा बेगम थी जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, हमें हिम्मत दी। वाकई शेर दिल है जोधा बेगम। आज पहली बार इनकी वजह से हमने महसूस किया कि अगर एक औरत चाहे तो कोई भी उस पर कब्जा नहीं कर सकता। इन्होंने हम सब में एक उम्मीद, एक हौसला भरा। इन्होंने हमें दुश्मनों के सामने खड़े होने की नसीहत दी, हमारी अगुवाई की। खुदा कसम, आज पहली बार हम रुकैया बेगम इस राजवंशी बेगम को, इस राजवंशी खून को और इनके राजवंशी बहादुरी को सलाम करते हैं। खुदा का रहम है कि आपका बच्चा सलामत है। हमें तो लगा था कि शायद। हकीमा साहिबा, ऐसी बात ना कभी सोचिएगा और ना कभी कहिएगा। मुगल सल्तनत को वारिस देना न केवल हमारा धर्म है, अभी तो कर्तव्य भी है। और शहंशाह के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता की बात तो और कहीं हो ही नहीं सकती है। किस खुशी की बात कर रही हैं आप जोधा बेगम? बेगम साहिबा दुरुस्त हैं, इससे बड़ी खुशी की बात आपके लिए और क्या हो सकती है शहंशाह? बस छोटी मोटी खरोंचे हैं, थोड़ा आराम करेंगी ठीक हो जाएंगी। इजाजत दीजिए शहंशाह। आदाब। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। मौजूदगी में अब दुश्मनों पर शेरनी की तरह टूट पड़ी और अब हमारे सामने रो रही हैं आप। अब खुदा के लिए रोइए मत, हम आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। अबुल माली कह रहा था कि परंतु हमें विश्वास था आप अवश्य लौटेंगे। हम बेशक आपके पास लौटते जोधा बेगम, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर मौत भी हमारे सामने आ जाएगी तो उसे भी हमसे शिकस्त खानी होगी। कह देंगे उसे, बता देंगे उसे कि हमारी जान, हमारी जिंदगी आपकी अमानत है और आपकी इजाजत के बगैर मौत हमें छू भी नहीं पाएगी। शहंशाह, कितनी बार हमने आपसे कहा है ऐसी अशुभ बातें अपने मुख पर मत लाया कीजिए। माफी चाहते हैं जोधा बेगम, हमसे गलती हो गई और माफी चाहते हैं कि हमारी नासमझी की वजह से आपको कितना कुछ सहना पड़ा। हमें फक्र है मुगल सल्तनत के जाबाजों पर जिन्होंने एक और फतेह हमारे नाम की है। हमें फक्र है मानसिंह पर जिन्होंने उम्र में सबसे कम होने के बावजूद सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाई। ये हमारे दरबार में सिर्फ एक दरबारी नहीं, मुगल सल्तनत के सबसे नायाब नगीने हैं। इनकी बहादुरी, इनकी काबिलियत के लिए हमने 5000 मनसब से नवाजते।
आपके इस सम्मान के लिए धन्यवाद शहंशाह। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपका सर झुकने नहीं देंगे। एक बात जिसने हमें सबसे ज्यादा चौंकाया वो है हमारी बेगमात। आप सब हमारे हरम की शान है, हमें फिक्र है आप सबकी सलामती की। शायद इसी वजह से हम आप सबको अपने साथ इस जंग में लेकर आए ताकि हम आप सबकी हिफाजत कर सकें। लेकिन आप सब ने हमारे साथ साथ पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया है कि एक औरत को अपनी हिफाजत के लिए एक मर्द की जरूरत नहीं होती है। हमने हर जंग से हर कुछ सीखा और इस जंग से हमने सीखा कि एक औरत कमजोर नहीं होती है। एक औरत अगर अपनी पर बनाए तो वो बेगम माँ चूचक की तरह, हमारी बहन की तरह हमारी जान भी ले सकती है, और अगर चाहे तो जोधा बेगम, रुकैया बेगम और सलीमा बेगम की तरह हमारी हारी हुई जंग को हमारी फतेह में तब्दील कर सकती है। हमारी बेगमात हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा रुकैया बेगम ने हमें बताया, अब सब में बहादुरी जगाने वाली जोधा बेगम है। उन्होंने ना सिर्फ हम पर से अपना यकीन खोया, उन्होंने अपने आयत पार पर से भी यकीन नहीं खोया और उन्होंने इस जंग की भागदौड़ संभाली। जोधा बेगम ने बड़ी बहादुरी से सारी हुई जंग को हमारी फतेह में तब्दील कर दिया है। इसलिए आज मुगल सल्तनत का शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सबके सामने झुककर जोधा बेगम को सलाम करता है। शुक्रिया मिर्जा, हम चाहते हैं कि तुम शाहबुद्दीन और असफ खान के साथ जाओ और हिसार का हमारा किला फिर से हमारे कब्जे में लाओ। जी भाईजान। पूरी खबर की शुरुआत तुमसे हुई है, सजा की शुरुआत भी तुमसे ही होनी चाहिए। हमें पूरी खबर सुनाने के जुर्म में तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। कत्ल कर दो इसे। रुको। लेकिन हम तुम्हारा कत्ल क्यों करें? शिकस्त तुमने थोड़ी खाई है, तुमने तो हमें सिर्फ खबर दी है। मेरी सरताज, आप ही बताइए हम क्या करें, इसे माफ कर दें? आखिर इसकी गलती क्या है? इसने तो हमें सिर्फ खबर दी है ना, सच्ची खबर। वो खबर अगर बुरी हो तो इसमें इसका क्या कसूर है ना? बजा फरमाती हैं बेगम साहिबा, इसने तो सिर्फ सही खबर देकर अपना फर्ज ही निभाया है। और आप बोलते जाइए, हम आपको सुनना चाहते हैं। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। हुजूर आपका लाख लाख शुक्रिया, आप बहुत ही रहम दिल इंसान है, खुदा आपको खुश रखे। कैसी खबर जिसने हमारे मंसूबे को तबाह कर दिया, सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया। ऐसी बुरी खबर देने वाला किसी हाल में माफी के लायक नहीं। माफी चाहते बेगम साहिबा,
माफी मांगनी भी चाहिए तुम्हें। आज जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह कारिंदे का कत्ल करना पड़ा हमें। जो गुस्सा हमें तुम पे निकालना था हमने उस पे निकाला। तुम्हारी फौज ठीक से नहीं लड़ी, हमें फतेहत नहीं किया, और हम अपनों पे गुस्सा नहीं निकालना चाहते थे, नहीं तो लोगों को लगता कि हम जलाल से खौफजदा हो गए हैं, इस शिकस्त से खौफजदा हो गए हैं, जबकि हम खौफजदा बिल्कुल नहीं है। किस्मत की खा रहे हैं सब। जलाल मिर्जा से पहले पैदा हो गया तो उसे तख्त मिल गया, बेगम हमीदा ने हमसे पहले एक बेटे को जन्म दे दिया तो मलिकाए जमानी और मलिकाए मकानी बन गई। हमें कुछ नहीं मिला, ना ही हमारे बेटे को। देख क्या रहे हो, बची हुई फौज को तैयार करो, इस बार जंग हमें जीतनी है, और अगर हम फतेहयाब नहीं हुए ना तो हमारे हाथों एक और कत्ल हो जाएगा तुम्हारा, खुद को बेवा बना लेंगे हम, समझे? हुकुम हुजूर। फाजल बेग को हमारे सामने पेश किया जाए। हुजूर ने गुलाम को याद फरमाया। फाजल बेग, वो समय आ गया है खास हथियार को जंग में पेश करने का, उसे फौरन यहाँ से रवाना कर दिया जाए। जी बेगम साहिबा। होश में आओ नामाकूल, आप जानना नहीं चाहते कि वो खास हथियार क्या है? हमसे आप पूछेंगे नहीं कि हम ये जंग कैसे जीतने वाले हैं? कोई और होता जो हमसे ये बेवकूफाना सवाल करता तो उसको हम कत्ल कर देते, लेकिन आप हमारे शौहर हैं, बेझिझक होकर पूछिए, पूछिए ना। कैसे कैसे ये जंग फतेहयाब करेंगे आप? क्योंकि हमारे पास एक खास हथियार है, एक वहशी दरिंदा, एक जानवर जो दो पाँव पे चलता है लेकिन इंसान नहीं, वहशी है। अरे ये क्या कर रहे हो? मोती हमारे बस से हम संभाल सकते हैं। रहने दो, इस अवस्था में अपना ध्यान रखो, हम आपके स्नान का प्रबंध कर देते हैं, उसके पश्चात आप निश्चित होके सो जाना, बहुत लंबी यात्रा है ना आज की। कैसी बातें कर रही हो मोती, अभी तक अम्मी जानो घर के बड़े सोए नहीं है, हम कैसे विश्राम कर सकते हैं? बहुत हटी हो जोधा आप। हम हटी नहीं है। अच्छा वो सब छोड़ो और ये बताओ कि अब तो युद्ध भी समाप्त हो गया और हम विजय भी हो गए, फिर अब क्या कारण है कि आपने गर्भवती होने के बाद किसी को बता नहीं रहे हो? किसी से भय है आपको जोधा? हमें किसी का भय नहीं है मोती, हम बस सही अफसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब कौन सा अफसर आएगा? तनिक सोचिए कि शहंशाह और मलिका आजम कितने प्रसन्न होंगे सूचना पाकर, उनके जीवन में इंद्रधनुष के रंग बिखर जाएंगे। पर हम ये सूचना शहंशाह को दीवाने खास में बताना चाहते हैं। आप ये सूचना सबके सामने देंगे? नहीं मोती, वहाँ पर केवल हम और शहंशाह होंगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।